सर रिकॉर्डिंग। हाँ ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये बात सबको पता है कि दो अगर पार्टिकल M1 और M2 r दूरी पे रखे हुए हैं तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इन दोनों के बीच में ऐसा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और ये अट्रैक्शन फोर्स किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे? और वही बात है, सिंपल प्रोडक्ट दोनों के मास के प्रोडक्ट के दोनों के प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगा दिया जाएगा। बस खास बात यह है कि ये रिपल्सिव नहीं होता है, ये सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना, इसकी खास बात यही है। तो ये जो फोर्स है वो ऑलवेज क्या है, बिटवीन एनी टू मासेस है ना, विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, विल ऑलवेज अलोंग टू लाइन ज्वाइनिंग लगेगा है ना। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है। अरे बात समझने में, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें तो जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स पे मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं होता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे तो मीडियम का इफेक्ट होता है ना, ये मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस, बिटवीन टू मासेस इज इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। समझ आई बात की? क्योंकि जी आपका इंडिपेंडेंट होता है, वहां पे के होता है वो के मीडियम पे डिपेंड करता है, यहाँ पे के की जगह जी होता है और जी मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। इसके वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं, वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वही आप दो मास M1 और M2 दोनों के बीच में R वेक्टर बना देते हैं। मान लो ये R वेक्टर ऐसे बनाया आपने इधर, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है F12 वो तो R वेक्टर की डायरेक्शन में, इस पे जो फोर्स लग रहा है F21 वो R वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो F12 का मैग्नीट्यूड और F21 का मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करेंगे। F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21 होगा। इसके मैग्नीट्यूड की बात करें F12 तो वो हो जाएगा G M1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और इनके वेक्टर फॉर्म की बात करें, हाँ ये अभी यूनिवर्सल ही है क्या ये लॉ? यूनिवर्सल हाँ, क्यों क्या हुआ? ऐसा कभी कोई लोग बोलते हैं कि अब यूनिवर्सल नहीं है, अभी इसमें एक एक्सेप्शन या इनकंसिस्टेंसी आई है, ऐसा कुछ है? अरे देख, अपने को है ना उन फालतू की बातों में नहीं पढ़ना है। हाँ, अपन से ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बात समझ। रिसर्च बहुत चल रही है, चलने दे रिसर्च को। ऐसे तो इलेक्ट्रॉन से छोटे भी पार्टिकल आ चुके हैं ना, कहाँ पढ़ते हैं तो थे। चलने दे, अभी चल रही है, ठीक है तेरी बात, ठीक है। समझ आया नहीं आया तुम्हें है ना? तो अभी रुको, बहुत तेज हो। बहुत तेज नहीं है बेटा, मैं बहुत स्लो हूँ, क्योंकि ये पढ़ा रखा है, सब कुछ लिखना ही है तुम्हें, इसमें समझने वाली बातें पढ़ा रखा है लेकिन। अरे एक तो ये भाई रोने लगा था। एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि दो टाइप के मास होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। विंग और थ्रस्ट, एक होता है इनर्शियल मास, अच्छा एक होता है ग्रेविटेशनल मास। हाँ, ये पढ़ाई क्या तुमने? नहीं नहीं सर, अंदाज अपना सर। इस इनर्शियल मास जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ बॉडी इन मैकेनिक्स,
रेस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ बॉडी. ठीक है. और ग्रेविटेशनल जो मास होता है वो बराबर उसके ग्रेविटेशनल मास पर बात ये है कि दोनों बराबर ही होते हैं. नाम अलग अलग है पर है होते बराबर ही. ये रेस्पॉन्सिबल होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर पुल और पुश. और मेन बात ये है कि है दोनों बराबर ही. ना सबने इतना तो एक मिनट रुका भी है राइट साइड का बाकी है. रखो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. कैपिटल जी की वैल्यू किसने दी थी? कैवेंडिश ने. हाँ कैवेंडिश. कैपिटल जी की वैल्यू कैवेंडिश ने निकाली थी है ना. उसने दो मतलब जैसा सब निकालते वैसे निकाली. हाँ जैसा सब निकालते वैसे निकाली थी है ना. हाँ सब कैसे निकालते और जैसे उससे निकालते थे. नहीं सब ये सब ऐसे निकालते हैं पेपर पे. उसने सही में निकाली. हमने पेपर पे मास और डिस्टेंस सबको वन वन कर दिया. उसने सही में वन वन कर दिया. सर सर रुको रुको एक मिनट. अरे सर आप तो बहुत तेज चले गए. ये वैसे तुमने कर रखा है उधर बट फिर भी निकाल लो. ये वैसे तो इसका रिजल्ट याद ही होना चाहिए इस क्वेश्चन का. और नहीं निकाल पाओ तो लिख लेना कि खुद से सॉल्व करेंगे. आज नहीं तो कल करेंगे पर करेंगे खुद से ही सॉल्व. ठीक है. क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? कुछ नहीं कहना चाहता बस ये लिखा हुआ है क्वेश्चन. सर एक बार थोड़ा सा तो क्लू दो. क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है. अब जो कहने की कुछ थोड़ा थोड़ा आ रहा है. एम कैपिटल एम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और हाँ. उनको डी डिस्टेंस पे रख दिया गया है. तो एम बाय टू एम बाय टू दोनों मास की वैल्यू बताओ जिसके लिए दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम हो. ओके क्या है आंसर? एम बाय टू ये वो तो याद ही रखना होता और का है वो तो लॉजिकल. नहीं मैंने वो एम ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक एम ग्रेटर देन जीएम से निकालते हैं मैथ्स में. तुम्हें पता ही है बाकी डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हो. दो तरीके होते हैं. ठीक है. आप कौन सा तरीका बताओगे? कैलकुलेट मैक्सिमम सेपरेशन टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम सेपरेशन ठीक है. वी मिनिमम such that m not mass never comes back. m not mass never comes back. चलो निकाल लो कितना कितना आ रहा है. सर रखो. क्या रखो? तो नेटवर्क कनेक्शन खराब है बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है यार. हर से यार अच्छा नेटवर्क
कैसे बेटा तेरे पास नेटवर्क कैसे चला जाता है, क्या चक्कर है? तो सर कभी कभी मेरा अमन का कैसा होता था पहले? अमन का तो मैं बताऊं, इन्होंने बाजू वाला का वाईफाई ना किराए पे ले रखा है, सही बात बताओ किराए पे नहीं, किराए पे मतलब वो ही मान ले नाम मात्र किराए पे है ना वो अपन, तो ये तो उनके नेट से चलाता है। पर अभी मैं सर पर अभी मैं जामनगर में नहीं हूँ तो भी नेट देखो बाजू वाले से ले, कोई तो होगा ना बाजू में नेट चल रहा है तो मतलब उसके पासवर्ड के बिना कैसे होगा? कहाँ हो तुम अभी? हम नाना के घर है। नाना कहाँ रहते हैं? तो गोंडल। अच्छा गोंडल हो तुम, हाँ तो गोंडल में तुम जा रहते हो, उसके आजू बाजू कोई तो देता ही होगा या कोई नहीं है? तेना पर उनसे पासवर्ड के बिना कैसे लूंगा? अबे तुम कहने का मतलब समझो तो सही, के बिना कैसे ले गया उदय? हर्ष समझ गया ना तू बात को? उदय तू भी समझ गया ना? हाँ सर। मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा? ओ एनर्जी फोर्स मिनिमम, फोर्स मिनिमम के इक्वल होगी, वेलोसिटी किसके इक्वल होगी? एक तो रुका हुआ है वो तो चलेगा ही नहीं बेचारा, वी नॉट जो है वो धीरे धीरे करके जीरो होगा ना, क्योंकि जीरो हो जाएगा वही आपका जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जानी चाहिए, ठीक है? यस सर, वेलोसिटी जीरो हो जानी चाहिए तो फिर मैक्सिमम सेपरेशन निकालना पड़ेगा आपको। चलो करो ट्राई, लेट सी। ये हाफ एम वी नॉट स्क्वायर को फिर वो इक्वल टू जी एम एम नॉट बाय आर नॉट ऐसा था। अभी देखो एनर्जी नहीं पढ़ाई है तुम्हें, पोटेंशियल एनर्जी तो उससे मत करो अभी। सर एक बात बोलूं, उस पे तो r वेरिएबल है तो हम कैसे करेंगे? तो वेरिएबल एक्सेलरेशन के इक्वेशन कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन सर, डिफरेंशिएशन सर, बस बस करो। ये कर देना आपने बहकाने वाली बात सर आप कुछ जवाब नहीं दोगे? क्या ही जवाब देने, इन्होंने बाड़े का तो वाईफाई ले रखा है, अभी जवाब देंगे वाईफाई कट जाएगा इनका, देने दो सर। मिटाना मटा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ अभी अमित सर देंगे बहका मैं बहका मैं कर दूं। एक्स दूरी पे जाके फोर्स लिखो, फोर्स से एक्सेलेरेशन निकालो, एक्सेलेरेशन से किसका एक्सप्रेशन बनाओगे? वेलोसिटी, और फिर वेलोसिटी निकालो आर नोट दूरी पे जाके, आर नोट मान लो कि वो मिनिमम सेपरेशन है, फिर आप वेलोसिटी को जीरो कर दो, जो वेलोसिटी बन रही है उसको जीरो कर दो। ये भगवान रुको सर हो ही रहा है अभी, रुकना तो मैं। अरे मेरे को कोर्स की टेंशन है यार, अपन थोड़ा धीरे चल रहे हैं, बाद में और बड़े बड़े टेस्ट हैं। हाँ ये आर नॉट होल इनटू वी नॉट बाय जी एम नॉट प्लस प्लस वन अपॉन आर नॉट, इसकी वैल्यू बता रहा है मेरे को? मैक्सिमम सेपरेशन। मैक्सिमम सेपरेशन कितना दोबारा? रूट के बाहर है मैक्सिमम सेपरेशन,
रूट में, रूट से तो बाहर ही आ रहा है, रूट आ रहा है क्या तेरे? नहीं नहीं वो थोड़ा सा एक बार आंसर बताओ ना, तुम बताओ ना तुम्हारा आंसर, मैं बता दूंगा। नहीं 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 बताओ, नहीं गलत ही है पता है। अरे सर मेरा तो ऐसा रूट में नेगेटिव आ रहा है, वी का एक्सप्रेशन। रमन तो कुछ भी कर देता है, बहुत ही हैवी स्टूडेंट हो भाई साहब तुम। सर ऐसा वजन के, ऐसा वजन पे मत जाओ सर। अबे वजन पे नहीं जा रहा। एम आर नॉट डिवाइड बाय एम माइनस जी का गया, जी का चला गया, वो ऊपर ले लो। जी एम आर नॉट बाय एम माइनस बी नॉट। नहीं देखो अभी मैं कर देता हूँ, यहाँ से M से X दूरी पे जाके आप फोर्स लिखोगे, फोर्स कितना लगेगा इधर, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी V, फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी G कैपिटल M स्मॉल m, m नोट था क्या ना वो, अपॉन X डिवाइडेड बाय X स्क्वायर, इससे एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, Gm by X हो जाएगा, G कैपिटल M डिवाइडेड बाय X स्क्वायर, नेगेटिव एक्सेलेरेशन आएगा। इसकी वेलोसिटी वी नोट से वी तक, और ये कहां से, आर्ट से आर नोट तक, ठीक है ना? नहीं हमने पहले दूरी क्या दी थी, अच्छा दूरी पहले होगा आर तक, ठीक है समझे बात को? हाँ। तो आर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू वी नोट स्क्वायर बाई टू, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, हो जाएगा ना, जी एम ब्रैकेट सर। हाँ। वी की जगह जीरो नहीं ले सकते डायरेक्ट क्या? क्या वी की जगह जीरो, क्योंकि लास्ट में हमें तो जीरो तक लेके जाएंगे। जीरो तक नहीं भाई, वेलोसिटी अभी जीरो बाद में करवाएंगे, क्योंकि दो जगह काम आएगा, अभी एक जगह और काम आएगा, वो निकाल तो लो एक बार, ठीक है ना? यस सर। कितना हो जाएगा ये, ए वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस वन बाई एक्स, तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो वन बाई आर माइनस वन बाई आर नॉट प्लस वन बाई एक्स, आ बचेगा ना। हाँ। तो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर प्लस टू जी एम वन बाई आर माइनस वन बाई आर नॉट। अब पहला क्वेश्चन करते हैं कि मैक्सिमम सेपरेशन के लिए वी कितना होना चाहिए, जीरो, वी को जीरो पुट करो तो आर नोट आर मैक्सिमम आ जाएगा तुम्हारे पास, मतलब ये आर की वैल्यू आर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर समझिए बात को, वी जीरो पे आर इक्वल टू आर मैक्सिमम पुट करना है, आर मैक्सिमम की वैल्यू आ रही है। हाँ नहीं कुछ नहीं, ये तुम्हारे पास R मैक्सिमम आ रहा है, अब इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम कैसे निकालोगे, टाइम दिस टू मैक्सिमम सेपरेशन पहले निकालो, पहले निकालो ये थर्ड वाला निकालो, V मिनिमम सच दैट द M नॉट मास नेवर कम्स बैक, अगर ये वापस आए ना इसका मतलब R की वैल्यू कितनी हो जाए, इन्फिनिटी, तो ये थर्ड वाला निकाल लो पहले, आर की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर दो, आर की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर दो, और वी की वैल्यू को ग्रेटर देन जीरो कर दो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, समझे बात को?
मिनिमम के लिए इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। वी मिनिमम के लिए तो जीरो कर दिया ना वो तो, नहीं यहाँ पर वी नॉट मिनिमम के लिए। हाँ 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 बाद में जीरो से निकालना पड़ेगा, बाद में निकालना तो जीरो से ही पड़ेगा। ठीक है वो तो वी नॉट स्क्वायर प्लस टू जी कैपिटल एम वन बाई इनफाइनाइट माइनस वन बाई आर नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बाद में इक्वल टू जीरो कर लेंगे। तो वी नॉट स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो टू जी एम डिवाइडेड बाई आर नॉट। तो मिनिमम कितना आ गया ये रूट एम, ये मिनिमम आ गया, इसी को एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये होता है ना कि पार्टिकल कहाँ पे चला जाए, इनफाइनाइट पे चल जाए इसमें। ठीक है इसके इस केस के लिए एस्केप वेलोसिटी बोला जाएगा ना, पार्टिकुलर इस केस में निकालिए। तो इसके बाद क्या करना है, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम सेपरेशन। हां टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द, वो तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट इस क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब वो किससे करोगे तुम, हम करेंगे इंटीग्रेशन से, उससे करना पड़ेगा। v को लिखना पड़ेगा क्या, dx by dt, dx by dt से करना पड़ेगा इसको। ठीक है इसको ट्राई करना, इसको ट्राई करोगे तो गंदा सा इंटीग्रेशन बनेगा, और इंटीग्रेशन सॉल्व करना सीख लिया होगा तो इंटीग्रेशन कर लेना, नहीं तो जैसे आराम कर देना उसका। तो आप आंसर तो बताओ, आंसर नहीं है ना वो गंदा सा इंटीग्रेशन जब आए तो मैं खुद ही सॉल्व नहीं करता हूँ। मेरे को लगता है कि बच्चे सॉल्व कर लेंगे इसलिए मैं सॉल्व नहीं करता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें भी फील्ड बनता है, हाँ इसमें भी फील्ड बनता है, इसमें तो आप रिंग का भी नहीं कर पाओगे ना, ग्रेविटेशनल फील्ड। पहले दोनों पार्टिकल m दूरी पे हैं इनिशियली, ठीक है दोनों की लेंथ l है। ठीक है अब इनको रिलीज कर दिया गया, अगर रिलीज करेंगे तो किधर जाएंगे, ये जाएंगे अपने पास। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन आर एंड आर डैश, आर डैश क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे डिस्टेंस, दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो इसमें मतलब वो ग्रेविटी नहीं है ना, ग्रेविटी, अरे ग्रेविटी नहीं होगी तो चिपक ही जाएंगे ना, है ना ग्रेविटी है, ग्रेविटी नहीं चिपक नहीं जाते, ग्रेविटी नहीं होगी तो हाँ चिपक जाएंगे, सॉरी चिपक जाएंगे हाँ। तो मतलब वो mg वाला वेट वाला g लेना है ना, है लेना है लेना है लेना है। ये r डैश क्या है एक बार बता सर, एक मिनट रखो ना, r डैश है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या डिस्टेंस होगी, हटा दो सर स्क्रीन शॉट से ही काम लेना। सर आप हो ना, तो मेरे को एक डाउट था इस इसी क्वेश्चन से थोड़ा सा रिलेटेड है, पूछूं? बोल बोल बोल।
सर इसमें तो अभी मास सेम है तो वर्टिकल से एंगल भी सेम होगा, लेकिन अगर मास अलग अलग होता तो वर्टिकल से एंगल सेम होता कि अलग होता? अलग होता एंगल, ठीक है एंगल अलग होता वर्टिकल से, फिर तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ओ वर्टिकल से जो एंगल है उसके मतलब उसके टर्म्स में आंसर देना? नहीं वो तो अपन एज्यूम करेंगे तो वो तो हटाना पड़ेगा। करवा दूं गंदा सा एक्सप्रेशन तो गंदा सा ही आएगा, पूरा तो सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले इस पे बैलेंसिंग कंडीशन, ये तो इस पे तो क्या बैलेंस कर रहा है, टी इक्वल टू एम जी बैलेंस कर रहा है इस पे, तो और क्या है अभी तो। रिलीज करो, रिलीज करते ये ऐसे दौड़ा और ये ऐसे दौड़ा, ये एंगल थीटा, ये एम जी, ये ग्रेविटेशनल जी cos थीटा। अरे तुम तो बड़े ही होशियार हो गए हो बेटा। अरे ऐसा आपने शायद उसमें करवाया था योगी में ऐसा कुछ था। हां करेक्ट क्वेश्चन था t cos थीटा इक्वल टू mg है ना, तो tan थीटा इक्वल टू अपने नोट्स बाकी बाई बाय mg mg। अब f कितना है यहां पे, ये यही तो दूरी r डैश, इसी को तो r डैश बोला है। तो f है कितना, g m स्क्वायर डिवाइडेड बाय r डैश का स्क्वायर, ठीक है ठीक है। अब तुमको निकालना था r और r डैश में रिलेशन, तो इधर से एंगल निकालो, कहां से एंगल निकालोगे सर? मतलब ये 90 होगा तो 90 माइनस सर r इज इक्वल टू ये l sin थीटा l sin theta plus r dash हो गया ना, ये कितना है l sin theta, ये r minus r dash divided by 2 मतलब, और ये l। अरे हाँ सही है। हाँ ना भाई, हाँ सही है सर। हाँ सर sin theta कितना हो जाएगा, r minus r dash divided by 2l, 2l तो फिर आंसर भी वन ही होगा, फिर आर एंड आर डैश का रेशियो आंसर वन कैसे होगा, आर और आर डैश में वन कैसे आएगा रिलेशन, फिर वो स्मॉल है ना एंगल। हाँ नहीं पर सर टेन थीटा की वैल्यू डाले जाते हो फिर वन नहीं ना। अब tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे तो भाई की वैल्यू पुट कर दी जाए, है क्या इसमें वो क्वेश्चन के हिसाब से स्मॉल या बिग कर देते हैं। अरे तुम खुद सोचो कि ये मास ग्रेविटेशनल फोर्स है तो कोई भारी भरकम थोड़ी ना होता है कि एक दूसरे को बहुत तेजी से खींच लेगा। हाँ सर तो वही ना, तो फिर मतलब ज्यादा रेडियस चेंज ही नहीं होगा डिस्टेंस, तो वन रेशियो आ जाएगा। हाँ, नहीं नहीं सर आप साइन थीटा लिखो ही मत, सिर्फ टैन थीटा लिखो तो सब कुछ सही होगा। वैसे भी हाँ ये साइन थीटा में हाइपोटेन्यूस को एल और उसको एल कंसीडर, वो फिर ये और ये बराबर मानने पड़ेंगे ना मेरे को, ये और ये बराबर मानने पड़ेंगे वो तभी वो बराबर हो सकते हैं जब। अरे तो वो जो साइन थीटा वाला लिखा है ना वो छोड़ दो, तो टैन थीटा तो वैसे भी परपेंडिकुलर वाला होता है तो वो तो वैसे भी एल ही है। थीटा छोटा क्यों लिया, ये गड़बड़ बात है ना, ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं अभी, है ना। नहीं नहीं सर तो पूछ रहे जेन्युइनली, जेन्युइनली पूछो ही मत अब तुम चुपचाप के, हाँ ऐसा होता है बस ऐसा ही होता है, ठीक है ऐसा ही होता है ऐसे मान लिया करो भी सर का वचन है। ये रिलेशन हो गया, आप इसको आगे सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर, चलेगा चलेगा ना। चलो सर अभी हम आपको कब मिलेंगे पता नहीं, टाइम खत्म हो गया क्या चक्कर है, 9 मिनट है अभी तो सर। तो मैं तो ऐसा कब मिलेंगे ऐसा, अभी तो ऑनलाइन है ना, अभी तो मिले थे। ग्रेविटेशनल फोर्स
ड्यू टू मल्टीपल मासेस. इसमें भी सुपर पोजिशन, दो मिनट ये लिख रहे हैं सुपर पोजिशन भाई, सुपर पोजिशन वही वही घिसे पिटी सब चीजें वही आ रही है यार. सुपर पोजिशन क्यों बोलते हैं, सुपर एडिशन क्यों नहीं बोलते, एड ही तो करना है. मल्टीपल हो जाएगा भाई यार, अब तुम समझदार हो सब, तुम लिख सकते हो, पर मेरे से पेन घिसवा रहे हो तुम. मेरा मार्कर घिस गया बेटा इतने दिनों में ऐसे लिख लिख के, तो अब तो ये सर ये मार्कर है ना अंकल, जस्ट अगर आपने इसको छोड़ दी साइड में तो ये पड़ी पड़ी सड़ जाएगी, बिगड़ जाएगी, इसलिए अच्छा है ना मेरे को बुखार. हाँ नया ले लो. वैसे तुम ज्ञान अच्छा देते हो पर हमारे कोई काम का नहीं है वो. इनमें आपको स्पॉन्सर कर देगा. नहीं नहीं ठीक है. अरे फटाफट कर लेते हैं ना, देखो ये पड़ी पढ़ाई चीजें हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी हो जाए ना, तो बाद वाली चीजों पे टाइम मिल जाए थोड़ा, और क्या है. इसीलिए तो इलेक्ट्रोस्टेट के बाद में पढ़ा दें ताकि थोड़ा सा स्पीड ले सकें. एक्स वाई एक्सिस पे एक पार्टिकल तो ओरिजिन पे रखा हुआ है, दूसरा थ्री डी पे रखा हुआ है. ठीक है, थर्ड मास ऑफ एम नॉट is kept on x axis, ana on x axis draw f versus x, ek third charge ko x axis pe rakha hai, samjhe baat ko. To aapko kya karna hai, draw x versus x graph, f versus x graph, aur ye maan lena hai ki force एट राइट है ना, फोर्स एट राइट इज टेकन पॉजिटिव, राइट वाले डायरेक्शन में फोर्स को पॉजिटिव मानना है. इसका ग्राफ बनाना है. इलेक्ट्रोस्टेट में बनाए थे इस टाइप के ग्राफ दो चार्ज के बीच में, समझे बात को, वैसे उसी टाइप से ग्राफ बनेगा इसका. इसको तुम अपने ग्रह कार्य में करके आओगे सर. पर एक्स एक्सिस पे कोई बात, एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी रख सकते हैं, आपको हर हर सिचुएशन के लिए बनाना है सर. आपने डेटा भी सर, ठीक है, ऐसे तीन पोजीशन होगी ना, इसलिए तीन पोजीशन होते हैं, वही तीनों पोजीशन के लिए बनाना है. ला ला एम नॉट एम एम m और इनफाइनाइट तक m, डिस्टेंस ये वाले डिस्टेंस है d, 2d 4d 2d 4d और उसके बाद कितना 8 8d, ऐसे चल रहा है. फाइंड द नेट फोर्स ऑन m नॉट, तो एलन वाली सीरीज फाइंड नेट, उसमें तो माइनस आता था बीच में, एम नॉट कर सकते हो इसमें. एल एन मारी सीरीज थोड़ी लगेगी, ग्रह काट दिए. अरे सही में बता दिया, एम टू एम, ठीक है, थ्री एम और वह ही नहीं आता है. ये आपका फर्स्ट मास है, ये आपका सेकंड मास है, अ थर्ड मास एम नॉट, अ थर्ड मास एम एम नॉट नहीं सॉरी थर्ड मास एम इज केप्ट फोर्स इज जीरो पॉइंट सिस्टम सच डेट फोर्स ऑन फर्स्ट मास becomes 6
जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर. ठीक है, फाइंड द लोकेशन ऑफ लोकेशंस ऑफ फाइंड द लोकेशंस ऑफ थर्ड मास ग्रह कार्य. इससे कैसा सर अभी खत्म ना ग्रह कार्य सर वो फोर्स ऑन फर्स्ट मास मतलब वो दोनों m और 2m का मिला के रखो रखो सर सर वो हाँ हाँ नेट 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 हाँ नेट फोर्स नेट फोर्स. सर अभी आपके क्लास कार्य के लिए विद्यार्थी आ गए हैं. कोई बात नहीं, विद्यार्थियों को थोड़ा सा विद्या के तो सर 7:45 को ज्वाइन करें. अबे नहीं बे शांति रखो, कहाँ भाग रहे हो सर. हमको तो ब्रेक दो. वही सर तुम्हें ब्रेक मिला होगा ना इससे पहले वाली क्लास में. कहाँ वो छोलो सर का सीधा देखो 6 बजे मैसेज आ गया. ये सारी गलती अर्जुन भाई की है. पहले पंकज सर की क्लास आती थी तो ब्रेक मिल जाता था. उन्होंने अबे गड़बड़ हो गया मामला, शांति रखो एक बार, 10 मिनट का ले लो. चलो 7:40 को आ जाना, जाओ फटाफट से और मैसेज करते हैं ग्रुप में. फिर भी 7:45 ही काम करना भाई. हाँ गुड इवनिंग सर. बढ़िया है ना, उनको 10 मिनट का ब्रेक दिया तुम्हें, 10 मिनट में क्वेश्चन तो दे दूंगा मैं सर. 4 तो दे दी और सर सर वो उठाओ ना एक बार. नहीं 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 मत हटा ना सर, रुको चुप चले. बहुत धीरा लिखता है. अरे सर ये आप छुट्टियों को उम्र तो भी क्यों दे रहे हो सर. सर प्लीज लिखने तो दो एक सेकंड. छुट्टियों में मजे मार लिए ना हमने तो बोला था मत लो छुट्टी. सर मजे वो क्या होता है. वही तो वही हम तुमसे पूछना चाह रहे हैं कि क्यों ली थी छुट्टियां. अरे सर आप चालू हो गए रिलैक्स करने के. सर क्यों ली थी तुम माइंड को शांत करने के लिए. एक माह से एम नोट का जो ऐसे इस अरेंजमेंट को समझना है एक बार है ना. ये जो मास रखे हुए ना एम और एम जो इन दोनों 2D डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, यहाँ से डी नहीं, ये ओवरऑल 2D डिस्टेंस पे रखा हुआ है. ठीक है एम यहाँ पर लिख लेना. अच्छा ये जो मास ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक सर्कल में ये पार्टिकल एम नॉट जो है वो घूम रहा है ना. उसकी ओमेगा दे रखी है और वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे दे रखी है बाहर.